हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल स्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आ गया हूं सेक्टर 70 में लोकेटेड न्यू अपकमिंग अफोर्डेबल हाउसिंग राजोनिक सॉलिटेयर की साइट पे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन जहां ये प्रोजेक्ट आने वाला है। एज यू कैन सी मेरे बैक एंड साइड पे कि इनकी फेंसिंग वगैरह हो रखी है। और ये एक्चुअल लैंड पार्शल है, 6.15 एकड़ का ये लैंड पार्शल है जहाँ ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली आने वाला है। और इसकी जो मेन कनेक्टिविटी है वो इस 24 मीटर के रोड से आपकी जो है रहने वाली। तो फ्रेंड्स, अगर बिल्डर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये जो डेवलपर है राइजोनिक सॉलिटेयर, ये भी एग्जिस्टिंग जो है वो लैंड एक्विजिशन का काम करते थे। एंड आज की रेट में अगर हम बात करते हैं एज एन डेवलपर, तो ये इनका पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि सेक्टर 70 में है। ये आपका अफोर्डेबल हाउसिंग राइजोनिक सॉलिटेयर के नाम से। इसके अलावा अगर हम इस पर्टिकुलर लोकेशन की सराउंडिंग की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है इसकी। बिकॉज ये आपका जो है SPR रोड पे पड़ता है और SPR रोड की आपकी जो है सोना रोड या फिर आपका जो है NH8 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आती है। तो सोना रोड से आपकी NH8 की आती है। इस साइड से आप जाओगे तो NH8 या CPR के थ्रू आपका द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। प्लस अगर हम इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं तो इसकी सराउंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी ऑक्यूपाइड है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है आपका वर्धमान विक्टोरिया के नाम से है, जो कि अभी रिसेंटली इसका जो है पोजीशन हुआ है। इसमें कुछ फैमिलीज अभी शिफ्ट नहीं है, बट धीरे धीरे इसमें आ जाएगा। पीछे आप देखेंगे आपका जो है ये GPL इडन हाइट से आपका ये आपका करीब करीब 80% ऑक्यूपाइड सोसाइटी है। देन इसी रोड पे अगर आप आगे जाएंगे तो ट्यूलिप ग्रुप की काफ़ी सारी टाउनशिप है। ट्यूलिप ऑरेंज, ट्यूलिप वाइट, ट्यूलिप पर्पल, ट्यूलिप की काफ़ी सारी यहाँ पे टाउनशिप्स आपको देखने को मिलेगी। एंड ये 24 मीटर रोड ही इन सभी सोसाइटीज़ को कनेक्ट करती है। आप इधर से अगर आप जाएंगे स्टेट वे में तो ट्यूलिप चौक आप पहुंच जाएंगे, और इधर से अगर आप मेरे पीछे की साइड में जाएंगे तो आप ब्रॉडवे के सामने वाली सेक्टर रोड पे जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रोड से। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, आप काफ़ी सारे अफोर्डेबल हैं जो टाइम टू टाइम है, बट दिस इज़ द लास्ट प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे आने वाला है। मे बी इसके बाद में यहाँ पे कोई भी अफोर्डेबल ना। सो फ्रेंड्स, अगर प्रोजेक्ट डिटेल की बात की जाए तो ये एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, जिसका जो रेरा नंबर है वो 42/2022 है आपका। एंड अगर हम बात करें, ये जो लैंड पार्शल है 6.15 एकड़ का लैंड पार्शल है, जिसमें टोटल कंपनी जो है वो 8 हाई रेंज टावर बना रही है। हाई रेंज टावर रही है, इसमें जो टावर्स की हाइट है वो आपकी S+14 है सभी टावर्स की। एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट रहेंगे, 2 and 3 BHK के जो है वो आपके सारे अपार्टमेंट्स हैं, जिनके अगर साइजेस की बात करूँ तो मिनिमम 542 स्क्वायर फीट से लेकर के 640 स्क्वायर फीट प्लस बालकनी तक के साइजेस यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो इसमें लगभग 23,76,000 रुपये से लेकर के 27,88,000 रुपये तक के फ्लैट्स आपको मिलेंगे। और एप्लीकेशन का वही सेम स्टैंडर्ड प्रोसेस है आपका, ऑनलाइन प्रोसेस है। 5% बुकिंग अमाउंट आपको देना पड़ेगा एंड लकी ड्रॉ के थ्रू आपकी जो है वो अलॉटमेंट यहाँ पे होंगी। सो फ्रेंड्स, अगर टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको जो है 896 अप्रॉक्सीमेटली 900 अपार्टमेंट्स आपके रहेंगे। अगर हम बेसिक एमिनिटीज़ की बात करते हैं इसके अंदर में, तो गेटेड कम्युनिटी है आपकी, बिजली, पानी, सिक्योरिटी, सीवरेज, बच्चों खेलने के लिए पार्क, नीचे स्टिल्ट में आपका जो है पूरा पार्किंग स्पेस इसके अंदर में रहेगा। इसके अंदर एक आपका 2,500 स्क्वायर फीट का आपका आंगनवाड़ी किड्स कम क्रैच सेंटर रहेगा, कम्युनिटी सेंटर जिसको हम लोग बोल देते हैं, प्लस बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क वगैरह जो है वो आपके लिए यहाँ पे रहेंगे। हाई रेंज टावर है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक टावर के अंदर में कंपनी आपको 2 लिफ्ट्स भी प्रोवाइड कराएगी। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी है और आप आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट टाइम टू टाइम चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम सभी तरह की जो वीडियोस हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, अफोर्डेबल, सब तरह की वीडियोस जो है अपने चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो
ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आगे आप किस तरह की जो वीडियोज़ हैं, क्या हम मोटिवेशन इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियोज़ के अंदर में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेकर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।